दोस्तों, गौतम बुद्ध की एक मेडिटेशन टेक्निक है, ध्यान की विधि है, जिसका नाम है विपश्यना, जिसमें आपको शुरुआती दौर में सांसों पर ध्यान देने को कहा जाता है, फिर उसके बाद आपको शरीर के अंदर, शरीर के ऊपर ध्यान देने को कहा जाता है, लेटर स्टेजेस में आपको नाभि पे ध्यान देने को कहा जाता है। आपकी जो नाभि होती है, नेवल होती है, उस पर आपको कंसंट्रेशन करना होता है। दोस्तों, इससे आप समझ सकते हैं, बुद्धिस्ट लोग कहते हैं कि बिना नाभि ध्यान की आप मोक्ष की, निर्वाण की, जिसको हम हिंदी में समाधि भी बोलते हैं अपने हिंदू धर्म में, उसकी प्राप्ति नहीं कर सकते आप। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नाभि ध्यान कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, नाभि हमारे शरीर का कितना सूक्ष्म हिस्सा होता है। दोस्तों, साइंटिस्ट कहते हैं कि आपके शरीर का जो जंक्शन पॉइंट है, सेंटर पॉइंट है, वो नाभि है। 72,000 आपकी जो नस नाड़ी है वो नाभि में आके मिलती है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। दोस्तों, बच्चा जब अपनी माँ के पेट में फर्स्ट टाइम कंसीव होता है, यानी कि जब माताएं बहनें प्रेग्नेंट होती हैं, गर्भ धारण करती है, तो बच्चे को पोषण कहाँ से मिलता है, न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है? दोस्तों, नाभि के थ्रू मिलता है। नाभि जो होती है वो एम्बेलिकल कॉर्ड से कनेक्टेड होती है प्लेसेंटा के साथ, जो बच्चा होता है, बॉर्न हो रहा होता है पेट के अंदर, और वो जो प्लेसेंटा होता है वो यूट्रस के साथ कनेक्टेड होता है। तो बच्चे को जितना भी पोषण मिलता है वो नाभि के थ्रू ही मिलता है, माताओं बहनों की जो नाभि होती है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण होती है नाभि। अगर आप इस छोटी सी चीज, इतने छोटे से हिस्से, सूक्ष्म हिस्से का ध्यान रख लेंगे, जो कि नाभि है, आपके जिंदगी में आपको कोई भी बीमारी नहीं हो सकती। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में कुछ तेल डालने सिखाऊंगा नाभि में, आपको कौन कौन से तेल डालने हैं। आप देसी घी भी डाल सकते हैं, सरसों का तेल भी डाल सकते हैं, नारियल का तेल भी डाल सकते हैं, लेकिन कौन कौन सी बीमारी में आपको कौन कौन सा तेल डालना है, उसके बारे में आज हम आपको इस वीडियो में विस्तार से बताने वाले हैं, सही विधि बताने वाले हैं, तरीका बताने वाले हैं। तो प्लीज वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, है ना, हमें कुछ भी लाइक करने के पैसे नहीं मिलते हैं, बस हमारा मोटिवेशन अप हो जाता है अगर आप हमारी वीडियोस को लाइक करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, साथ में बेल आइकन घंटे को दबा के ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लें, ताकि जब भी मैं रोजाना न्यू वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। चलिए बात करते हैं अपने टॉपिक के बारे में। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि सरसों का जो तेल होता है, मस्टर्ड ऑयल होता है, उसकी दो बूंदें, एक से दो बूंदे अगर आप हफ्ते में 3 दिन, यानी कि एक एक दिन छोड़ के, जैसे मंडे हो गया, फिर वेडनेसडे हो गया, फिर फ्राइडे हो गया, ऐसे करके आप 3 दिन अपनी नाभि में डालते हैं, तो उससे क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, उसके बाद मैं आपको तरीका बताने वाला हूं, क्योंकि वो काफी इंपॉर्टेंट होता है, किस तरह से आपको लेटना है बिस्तर पे, कौन से समय पे नाभि में तेल डालना है, वो जरूरी होता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं फायदे क्या क्या होते हैं। दोस्तों, अगर आपके होंठ गुलाबी नहीं रहते हैं, जिनके होंठ बहुत ही ज्यादा फटते हैं, अभी सर्दियां आने वाली, जिनके होंठ काफी काले काले से रहते हैं, साइड से एकदम बहुत भद्दा सा दिखाई देता है, तो उनके लिए बहुत ही जबरदस्त होता है होठों को, ये काफी गुलाबी करता है, मुलायम करने में काफी ज्यादा मदद करता है। दोस्तों, इसके अलावा ये स्किन के लिए भी बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है, स्किन को कोमल रखने में काफी ज्यादा मदद करता है। आप नहाने से पहले सरसों के तेल से शरीर में मालिश भी कर सकते हैं, उसके अलावा नाभि में भी तेल डाल के रात को सो सकते हैं। किस तरह से तेल डालना है आपको, रात को सोते समय क्या करें, आराम से बिस्तर में सीधे होके लेट जाएं, सोने से आधा घंटा पहले क्या करें, सीधे होके लेट जाना है, 1 से 2 ड्रॉप आपको अपने नाभि में सरसों का तेल डाल लेनी है, और बिल्कुल भी हिलना नहीं है 15-20 मिनट के लिए। किस तरह से डालनी है, आप कॉटन की मदद से, रुई की मदद से भी डाल सकते हैं। तो इससे क्या फायदा होगा, मैंने आपको बताया, आपकी स्किन अच्छी रहेगी, आपके होठों पे, लिप्स पे आपके गुलाबीपन आएगा। चलिए बात करते हैं नारियल का तेल डालने से नाभि में क्या क्या फायदे होते हैं। दोस्तों, विधि वही सेम है, आपको बेड पे लेट जाना है आराम से, रात को सोने से आधा घंटा पहले 1 से 2 बूंदे नारियल के तेल की आपको अपने नाभि में डाल लेनी है, कॉटन की मदद से, रुई की मदद से, और बिल्कुल भी हिलना नहीं है 15 से 20 मिनट के लिए। फायदे क्या क्या होंगे इसके, चेहरे पे बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही बेहतरीन तरीके से ओज आएगा, तेज आएगा, नूर आएगी, चमक आएगी, बहुत ही बेहतरीन, मतलब इतना जबरदस्त ग्लो आएगा कि आगे वाला देख के परेशान हो जाए। सिर्फ 1 वीक करके देखें, 1-1 दिन छोड़ के, इतना बेहतरीन आपको रिजल्ट मिलेगा कि आप सोच नहीं सकते। जिनके चेहरे पे काफी कालापन आ जाता है ना, टैनिंग हो जाती है उनके लिए, तो इससे जबरदस्त कुछ नुस्खा हो ही नहीं सकता। दोस्तों, इसके अलावा शुद्ध गाय का देसी घी, एकदम 100% प्योर होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, मिलावट बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, उसकी अगर 2 बूंदे अपनी नाभि में डालते हो तो उसके क्या क्या फायदे होते हैं उसके बारे में बता दो। दोस्तों, इनको बालों से संबंधित, हेयर फॉल से संबंधित, प्री मेच्योर ग्रेइंग जिनकी हेयर्स की हो जाती है, सफेद हो जाते हैं उम्र से पहले बाल। उम्र से पहले का मतलब क्या, 40 से 45 साल से पहले अगर आपका एक भी बाल सफेद है, इसको बोलते हैं प्री मेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर्स। अगर आपको ये समस्या रहती है, सिर्फ 1 हफ्ता, मैं कितना बोल रहा हूं, सिर्फ 1 हफ्ता डाल के देखिए,
एक एक दिन का गैप दीजिए, प्योर शुद्ध गाय का देसी घी होना चाहिए। आराम से रात को सोने से आधा घंटा पहले आपको बिस्तर पे लेट जाना है, सीधे होके लेटना है, बिल्कुल भी हिलना नहीं है। 15-20 मिनट नाभि में 1 से 2 बूंदे शुद्ध गाय के देसी घी की डाल देनी है आपको। इससे क्या क्या होगा, आपका सबसे पहले वात पित्त और जो कफ है वो तीनों बैलेंस रहेगा, खराब नहीं होगा, बिगड़ेगा नहीं। इसी से क्या होता है, आपके बाल सफेद हो जाते हैं, बालों के झड़ने की प्रॉब्लम हो जाती है, हार्मोनल लेवल जो बॉडी में होता है वो बिगड़ जाता है। 1 हफ्ते के भीतर भीतर आपको धीरे धीरे करके जिनकी प्री मैच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर्स हो चुकी है उनको दोबारा से बाल काले होते नजर आने शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों आई होप कि आपको नाभि में सरसों का तेल, नारियल के तेल और देसी घी डालने के फायदे पता चले होंगे। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, साथ में व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि क्या पता किसी को ये जानकारी इंपॉर्टेंट लगे।